उन्होंने इस तरह से रोजगार दिया, सुबह चाय बेचो, दोपहर में पकौड़ा तलो, रात में चौकीदारी करो। इस तरह का रोजगार हमारे हिंदुस्तान का युवा करना मंजूर नहीं समझा। आज के दौर में जो है कि प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ मिल चुका है, तो इस चीज का पता नहीं, इस चीज का पता नहीं कि गोबर गैस क्या होता है, गटर गैस क्या होता है, इनको ये पता नहीं कि बादल के ऊपर से प्लेन गुजर रहा है तो यहाँ रडार पकड़ता है नहीं पकड़ता है, कि भाई गोबर खा लो, गाय मूत्र पी लो और जो है हमारे यहाँ कोरोना वायरस नहीं आएगा। भाई तुमको गोबर है, तुम्हारा गाय मूत्र, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट इतना बुद्धू है, बस ये उल्टे सीधे, कभी सुनो मैं बताऊंगा, कभी नोटबंदी, कभी GST बंदी, कभी लाल किला बंदी, कभी LIC बंदी, अब बैंक बंदी, अब तो ये भी करने लगा कि युवा का जुबान भी बंदी करने लगा ये सरकार। इस वजह से हिंदुस्तान का युवा पूरा वर्ल्ड में जाके माँ बहन बच्चों का पेट पालने के लिए दर दर भटकता। साहब देखो, ये कोरोना वायरस अभी 15 दिन पहले से आया, लेकिन ये वायरस मोदी बहुत पहले छोड़ रखा था, जो कि NRC MPR CA के मतलब में। अच्छा, रहा अभी ये कोरोना वायरस के लिए, आपके सामने देखो मैं मास्क लगा रखा हूँ, इसी तरह का मास्क हर दो घंटे में बांटा जाता है यहाँ पे, एक दो घंटे में बांटा जाता है। अच्छा, इसके समाधान जो भी हो सके हम लोग आपस में करते हैं यहाँ पे, और बाकी ऊपर वाला मालिक है। दूसरा, आपने बोला है काला कानून के बारे में, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर 543 सांसद है और राज्यसभा पता नहीं कितने सांसद है, इन लोग के पास अगर बाप माँ का, बाप और पिता और माँ का जितने का भी, इन लोग का पास अगर जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान का 135 करोड़ के तो नहीं, कम से कम 75 करोड़ के पास जरूर मिलेगा। अच्छा, दूसरा बात, अगर इनके पास ही मुकम्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास 9 क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है, मेट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, आज हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास स्कूल सर्टिफिकेट का पता नहीं है, तो एक चीज बताओ, ये NRC CA MPR जो भी है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान पे सभी के पास डॉक्यूमेंट होंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर बाढ़, बरसात, सैलाब ऐसे ऐसे आए हुए कि लोग खाने को मोहताज था, मवेशी फंस गए, आदमी मर गए, तो क्या इंसान उस टाइम डॉक्यूमेंट संभाल के रखेगा? पहली बात। दूसरा बात, आपने आधार कार्ड को मानने नहीं लगाया, पहचान पत्र को मानने लगा, ड्राइवर लाइसेंस को मानने लगा, पासपोर्ट को मानने लगा, पैन कार्ड को मानने लगा, अब एक दो डॉक्यूमेंट का बात बोलने का, जो तुम्हारे बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो। भाई मेरे बाप तो दाई बुलाया था, शायद उसी तरह से पैदा, हम भी इसी तरह से पैदा हुए थे, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट अगर आप मांग रहे सभी से, ना कि मुसलमान का सवाल नहीं बोलूंगा मैं, पूरे हिंदुस्तान का अवाम का, अगर आपके पास जन्म तुम्हारे बाप का, प्राइम मिनिस्टर में बोलना चाहूंगा कि माननीय प्राइम मिनिस्टर का अगर माँ का जन्म प्रमाण पत्र हो, उसका बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो, गृह मंत्री का माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो, ये जो फेकूराम जो BJP का नेता है, इनके पास उसके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो, मैं तो यही कहूँगा 135 करोड़ तो कम से कम, ना तो कम से कम 75 करोड़ के पास तो डॉक्यूमेंट होगा, अगर तुम्हारे पास होगा तो। सर एक सवाल है, लगातार अर्थव्यवस्था जो है गिर रही है, रुपया जो 75 रुपया से ज़्यादा क्रॉस कर गया डॉलर के, इसको कहाँ तक देख रहे हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था पे मार है क्या ये हिंदुस्तान? आपको मैं कुछ पहले ले आऊंगा, यानी मेरे पैदाश से पहले हम लोग इतिहास कुछ पढ़े भी हैं, ना कि यही लोग पढ़ रखा है। हिंदुस्तान इंडिया भारत, इसको सोने का चिड़िया भी कहा जाता था, शायद आप लोगों को मालूम होगा। सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसमें भी एक बात है, इसलिए कहा जाता था कि सोने का चिड़िया, यानी एक टाइम था $13 दे के हमारे हिंदुस्तान का एक रुपया खरीदता था, आज वही एक डॉलर को हम लोग 65 रुपये दे के खरीदते हैं, तो बताओ अब ये हिंदुस्तान का, आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा है। अब एक मसला बताऊँ, आप मीडिया वाले हैं, आपसे भी सवाल करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े सिटी में चले जाइए, क्या अमेरिका का आदमी रोजगार करते हुए मिलेंगे आपको? दुबई का आदमी रोजगार करते हुए मिलेंगे आपको? सऊदी अरब का आदमी रोजगार करते हुए मिलेंगे आपको? चाइना का आदमी रोजगार करते हुए मिलेंगे आपको? तुर्की का मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, यानी वर्ल्ड का शायद एक आध कंट्री का, नेपाल सेपाल वाले होंगे वही होंगे, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड, छोटा मोटा एक आध कंट्री छोड़ के पूरा वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का आदमी रोजगार करने जाता है। आप अमेरिका लगाओ, सऊदी अरब लगाओ, बहरीन लगाओ, दुबई लगाओ, चाइना लगाओ, कनाडा लगाओ, हांगकांग लगाओ, बैंकॉक लगाओ, सभी जगह हिंदुस्तान का
आदमी रोजगार करने जाता है, मतलब यहाँ रोजगार नहीं है। और एक चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 15-15 लाख सभी को देंगे, 2014 में बोला था। हम लोग बहुत खुश थे कि भाई काला धन आएगा, 15 लाख तो मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई ये तो कैश देंगे, तो फिर हमने जैसे गरीब आदमी कुछ दिन वेट किया, कैश तो मिला नहीं, फिर ये सेंट्रल बैंक में जाकर अकाउंट भी कर दिए। सोचा कि चेक से देंगे, चेक से भी नहीं मिला। बाद में उसके गृह मंत्री बोला था जुमला यानी झूठ है, यानी झूठ है, समझे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तुम लोग को रोजगार देते, 2-2 करोड़ सभी युवा को रोजगार देते हैं, तो किस प्रकार से वो रोजगार दिया आपको मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने इस तरह से रोजगार दिया, सुबह चाय बेचो, दोपहर में पकौड़ा तलो, रात में चौकीदारी करो। इस तरह का रोजगार हमारे हिंदुस्तान का युवा करना मंजूर नहीं समझा। इस वजह से हिंदुस्तान में रोजगार ना होने के कारण वर्ल्ड का हर कंट्री में आप जाके देख लो, आप सर्च मार के देखो गल्फ में कितने हैं, यूएन में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, बैंकॉक में कितने हैं, कनाडा में कितने हैं, चाइना में कितने, सभी हिंदुस्तान का युवा वहां जाके रोजगार करता है। सर इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस समय जो है, ऐसी क्या व्यवस्था थी, और भी तमाम सवालों पर हम जा सकते थे, तमाम सुविधाएं दे सकते थे मुल्क को, लेकिन NRP और NRC लाने की क्या जरूरत पड़ गई सर इसमें? एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी दादी कहावत सुनाती, जिस मुल्क का बादशाह ही जाहिल हो तो वो क्या करे। इस देश का 70 साल में बदनसीब ये देश इस तरह से है कि आज के दौर में जो है कि प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ मिल चुका है। इसको इस चीज़ का पता नहीं कि गोबर गैस क्या होता है, गटर गैस क्या होता है। इनको ये पता नहीं कि बादल के ऊपर से प्लेन गुजर रहा है तो यहाँ रडार पकड़ता है नहीं पकड़ता है। तो एक चीज़ बताओ, इस तरह का प्राइम मिनिस्टर भाषण करे भाई, यहाँ का प्राइम मतलब हमारे हिंदुस्तान का क्या नाम है मंत्री लोग बात करे कि भाई गोबर खा लो, गाय मूत्र पी लो और जो है हमारे यहाँ कोरोना वायरस नहीं आएगा। भाई तुमको गोबर और तुम्हारा गाय मूत्र तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हम लोग कोरोना वायरस के लिए जो आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बोल रहा है 50 से ज़्यादा आदमी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन ये आप आगे देख सकते हैं 50 आदमी एक जगह इकट्ठा है भी नहीं। और ये तो इस तरह का मांस और ये हर प्रकार का हर चीज़ यहाँ पर सुविधा है। तो मुझे एक सवाल बताइए, इस समय जो है हिंदुस्तान में आज ही होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है, 5.5 लाख से अधिक लोग जो हैं भारत की नागरिकता को छोड़ चुके हैं, अमेरिका कनाडा जापान जैसे कंट्री का नागरिकता ले चुके हैं, मुल्क में ऐसी क्या आफत पड़ी है कि लोग यहाँ नागरिकता छोड़ रहे हैं साहब? असल में बात यही वही बात है ना सर, यहाँ इस तरह का आदमी देखो, अमीर तो अमीर होता गया, गरीब को और गरीब करता गया, समझे नहीं। आप एक क्वेश्चन हमसे पूछे कि आज डॉलर कहाँ जा रहा है, ये सभी को पता है कि मैं यही फिर रिपीट करूंगा कि एक 13 रुपए दे के 13 डॉलर दे के हिंदुस्तान का 1 रुपए खरीदा जाता था, आज 1 डॉलर को हम 64 रुपए 65 रुपए दे के खरीदते हैं। यानी हिंदुस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे घटता जा रहा है ना, कि हिंदुस्तान का युवा हर कुछ करना जानता भी, हर कुछ करना भी चाहते, हिंदुस्तान के अंदर हर कुछ है, हर सुविधा भी है, लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट इतना बुद्धू है बस ये उल्टे सीधे, कभी सुनो मैं बताऊंगा, कभी नोटबंदी, कभी GST बंदी, कभी लाल किला बंदी, कभी LIC बंदी, अब बैंक बंदी, अब तो ये भी करने लगा कि युवा का जुबान भी बंदी करने लगा ये सरकार। इस वजह से हिंदुस्तान का युवा पूरा वर्ल्ड में जाके माँ बहन बच्चों का पेट पालने के लिए दर दर भटकता। साहब सबसे पहले हिंदुस्तान का युवा को रोजगार चाहिए साहब, आज खाता कल के लिए सोचता युवा साहब, BEd BSc MSc कर करके युवा क्या नाम है मूंगफली बेचता है रोडों में, केला बेचता है, सब्जी बेचता है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। एक बात और, हमारे देश का गृह मंत्री अपने गरिमा को ही खत्म कर चुका भाई, गली गली में जाके वो पर्चा बांटता हो वोट के लिए, क्या साहब आप अपना अनुमंडल को भी नहीं बेच सकते थे शाहीन बाग में, या इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? किसको शौक है यहाँ बैठने का साहब, सभी के घर में माँ बहन बाल बच्चे हैं, सभी को फिक्र है साहब, लेकिन आप तो इतने बड़े हो, जिस वोटर कार्ड से आपको हमने गृह मंत्री बनाया, आज वो वोटर कार्ड ही बेकार हो गया साहब। जिस आधार कार्ड आज कम 2-3 साल पहले आपने आधार कार्ड सबका बनवाया और आधार कार्ड अनवैलिड हो गया साहब, ये अब हिंदुस्तान का युवा करे तो क्या करे, हिंदुस्तान का माँ बहन करे तो करे क्या, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। विकल्प क्या है सर आप? नहीं विकल्प देखो, अवाम का तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अवाम तो यही करेगा रोड भी आना, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े अरे जो मोदी के अंदर अभी जो मंत्री है जो बरेली से क्या नाम उस लेडीज का, वो मंत्री क्या वो रोड में प्रवेश नहीं करी थी, वो रोड में करी थी अभी देख लो कितने, कल भी कांग्रेस का नेता वहाँ जाके क्या नाम है रोड में प्रोटेस्ट करा, वो करा उन्होंने,
जो उसका एमएलए को बंधक बना रखा है। शाहीन बाग को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के तमाम नुमाइंदों के द्वारा, आप शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बाहर से कुवैत से आए हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखो ये प्रोटेस्ट ना के शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नहीं है, ना के पूरा शाहीन बाग का तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में। मैं सीमांचल बिहार से हूँ, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, भले मैं यहाँ का निवासी बन चुका हूँ लेकिन बिहार सीमांचल से हूँ। आप सीमांचल के अंदर देखना जाके, मैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट का बोलूँगा, ना कि एक गाँव का बोलूँगा, वहाँ आदमी खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी ब्याह बाल बच्चे का कैंसिल करके वो आदमी अपने अपने डॉक्यूमेंट सही करने में लगा। और उनको ये भी नहीं पता कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, कोई आधार कार्ड सही करने में लगा, कोई पहचान पत्र सही करने में लगा, कोई ड्राइविंग लाइसेंस सही करने में लगा, मैंने हर प्रकार की, लेकिन इनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट मुझसे कौन सा डॉक्यूमेंट मान ले। तो ये सरकार कहाँ लेके जाना चाहता है आदमी का, एक एक मिनट बहुत कीमती होता साहब। आप जो एसी रूम में बैठ के लंबे लंबे छोड़ते हो, तुम्हारा संबित पात्रा ये तो न जाने कितने कितने बड़े बालिस्टर बना पड़ा है, उल्टे सीधे जो मर्जी बोले। कल का एक उसमें बोला उसने डिबेट में क्या ना वो शाहीन बाग में, मैं दिखाना चाहूँगा शाहीन बाग में सारे मुसलमान बैठते हैं, क्या शाहीन बाग में सिख भाई नहीं है, वो सभी भाई हैं यहाँ पे, ईसाई भाई नहीं है, सभी भाई हैं, लेकिन ये है कि हम लोग कुछ ज़्यादा हैं ये लोग कुछ कम है। ये देखो मेरे सामने ईसाई भाई आपको मिलेंगे, ये संबित पात्रा का बोल बगैर बोल बच्चन नेता है ये।